और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उदयपुर से, जहां पर किरण महेश्वरी का आज अंतिम संस्कार, ओम बिरला पहुंचे हैं अंतिम दर्शन को लेकर, उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किरण महेश्वरी का आज अंतिम संस्कार और उनके अंतिम दर्शन को लेकर के ओम बिरला पहुंचे हुए हैं। ओम बिरला ने ट्वीट करके दुख जताते हुए लिखा था कल कि जो ये हमारी व्यक्तिगत क्षति है, और उन्होंने दुख जताया था। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं ओम बिरला। चूंकि किरण महेश्वरी बीजेपी की कद्दावर नेता और बीजेपी में अपने महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दी, महिला सशक्तिकरण को जोड़ने में महिलाओं की आवाज़ बनकर वो उभरी, और बीजेपी के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनका एक अहम योगदान रहा, संगठन को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा, मिलनसार थी, और साथ ही साथ जिस तरह से वो लोगों के साथ मिलती जुलती थी, उनकी समस्याओं को सुनती थी, इसीलिए उन्हें उनसे लोगों का व्यक्तिगत लगाव था, और उनके जाने के बाद एक शून्यता, इसको भर पाना मुश्किल है। राजस्थान की बीजेपी की कद्दावर नेता थी किरण महेश्वरी, 24 साल की उम्र में राजनीति में आई थी और उसके बाद लगातार संगठन से जुड़ी रही, और संगठन के जो भी काम उनके जिम्मे आया वो बखूबी निभाए। किरण महेश्वरी के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करते हुए ओम बिरला, ये सीधी तस्वीरें। किरण महेश्वरी के जाने से बीजेपी के लिए बड़ी क्षति, कई कद्दावर नेता ने उनके जाने पर दुख व्यक्त करते हुए कल ये बताया था कि उनके जाने से एक शून्यता, इस खाली जगह को भर पाना मुश्किल है। 2006 में महिला मोर्चा की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी और इसके बाद लगातार महिलाओं की आवाज़ बनकर उभरी, और हर समस्या को, जो भी कार्यकर्ताओं के सामने समस्याएं आती थी उस समस्याओं को वो सुनती थी, और बड़े ही आसान तरीके से पार्टी के सामने रख कर के उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करती थी। उन्नीस सौ 1994 में पहली बार वो उदयपुर की मेयर बनी, 2004 में उदयपुर राजसमंद से लोकसभा पहुंची, और 2006 में महिला मोर्चा की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, 2008 में राजसमंद से विधायक चुनी गई, और ये उनकी लोकप्रियता का ही कारण है। 2011 में बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव बनी और 2013 में राजस्थान की उच्च शिक्षा मंत्री बनी किरण महेश्वरी, और उन्हें मेवाड़ की दीदी के नाम से वो मशहूर थी उदयपुर में, क्योंकि वो आम कार्यकर्ताओं से जुड़ती थी, आम लोगों की समस्याओं को सुनती थी, और इसलिए उन्हें इस पद तक पहुंचाया, इस मुकाम तक पहुंचाया जहां कई लोग, कई राजनेता पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सौम्यता, उनकी नेतृत्व क्षमता और साथ ही साथ मिलनसार जो प्रवृत्ति उनकी थी, उसी के जरिए वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रही और मेवाड़ की दीदी के नाम से मशहूर हुई। बीजेपी की कद्दावर नेता के जाने से बीजेपी में शोक की लहर, और बीजेपी के कई नेताओं ने उनके जाने पर दुख व्यक्त किया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताते हुए कहा कि ये पार्टी के लिए बड़ी क्षति। ओम बिरला आज पहुंचे हुए हैं, कई कद्दावर नेता भी आज उनके अंतिम दर्शन को उनके आवास पर पहुंचे हैं। कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो वेदांता में भर्ती हुई थी, जहां पर वो कोरोना से जंग हार गई, और उनके जाने से राजनीतिक जगत में एक शून्यता और साथ ही साथ बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। सीधी तस्वीरें हम उदयपुर से आपको दिखाए हैं, जहां पर स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हैं उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को लेकर के। गुलाब सिंह कटारिया, बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं, तो कई बीजेपी के कद्दावर नेता पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन को।
हर हमेशा याद की जाएंगी। किरण महेश्वरी अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर के बीजेपी की कद्दावर नेता के जाने से पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति और इस क्षति को भर पाना मुश्किल, क्योंकि किरण महेश्वरी जैसी नेता बिरले होती हैं और जो पार्टी के निर्णयों के साथ साथ आम जनता के साथ जुड़ी रहती हैं और आम जनता के चलते ही उन्हें मेवाड़ की दीदी कहा जाता था, क्योंकि वो आम जनता की समस्याओं को सुनती थी, पार्टी के सामने रखती थी, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करती थी। 24 साल की उम्र में राजनीति में आई थी और उसके बाद लगातार वो पार्टी के कई बड़े ओहदों पर काबिज हुई। 1994 में पहली बार उदयपुर की मेयर बनी वो और इसके बाद 2004 में उदयपुर राजसमंद से लोकसभा पहुंची, जिसके बाद 2006 में महिला मोर्चा की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी और फिर महिलाओं की आवाज़ बनी। महिलाओं की हर समस्या को वो कई फॉर्मों पर अपने बात को रखी और वहाँ पर जोरदार तरीके से की, स्पष्टवादी थी और कोई लाग लपेट नहीं। 2013 में राजस्थान की उच्च शिक्षा मंत्री भी वो बनी।